ग्रामीण कौशल विकास मिशन में बहाली के नाम पर हजारों लोगों से पैसा ठगने का मामला आया है। YouTube पर ग्रामीण कौशल विकास मिशन के नाम से बहाली निकाली गई थी। 5500 से अधिक वैकेंसी का दावा किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक लेवल पर और प्रखंड स्तर पर ग्रामीण स्तर पर पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। 25 से 40 हजार रुपए तक सैलरी होगा और इसके लिए पोस्टल स्टंप भेजा जाए। YouTube में धड़ल्ले से ऐसी खबरें आती हैं और इसके बाद ये खबर इस रूप में वायरल हो गई और लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म भर दिया। यानी कि फॉर्म जो भरने वाले स्टूडेंट थे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की, इसकी संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट बताई जाती है। लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरा मामला फर्जी है। झारखंड सरकार ने ये कहा है कि इससे बच कर रहे, लेकिन इसी बीच में तकरीबन 200 करोड़ रुपया ये युवाओं का ठगा जा चुका है। इस प्रकार की कई फर्जी बहाली फेसबुक गूगल में आती रहती है और बेरोजगार युवक बिना जांच पड़ताल किए हुए इसके लिंक को खोलते हैं। इसके बाद पता चलता है कि उसमें आप फॉर्म भरिए, फॉर्म के लिए आपको 2000 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा, 100 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा और इस सब कारण से बच्चे फंसते चले जाते हैं और बाद में इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाता है। साइबर क्राइम का मामला ऐसा कई है, लेकिन सरकार इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर पा रही है। फिलहाल हम पूरा मामला बता दें और कैसे मामला पकड़ा गया इसकी भी जानकारी आपको दे दें। ये वैकेंसी फर्स्ट जॉब सर्च ये नामक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम आप जान लें, फर्स्ट जॉब सर्च नाम का एक वेबसाइट बनाया गया और बेरोजगार युवा इस सर्च में गए, इस साइट को खोले। इसका नाम है फर्स्ट जॉब सर्च साइट और इसके संबंध में सूचना दिया गया 5561 पद बताया गया था कि इसमें है, जिन पदों पर नौकरी लगनी थी उसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 3 पद बताया गया था। और सभी आवेदकों से कहा गया कि आप पोस्टल ऑर्डर भेजिए, पोस्टल स्टंप भेजिए इसके लिए। और ये जो पूरी चीजें थी इसमें हम बता दें कि जो जांच हुआ उसमें कौन कौन सी चीजें झारखंड सरकार के पास आया है। पहला, ऐसी कोई जानकारी सरकारी एजेंसी को नहीं है, जो सरकार की एजेंसी जो वैकेंसी निकालती है ये ग्रामीण कौशल विकास मिशन के नाम से फर्जीवाड़ी किया जा रहा था और ये कोई संस्था के पास नहीं था। अब इसका नाम वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास मिशन है, मतलब पहले जो ग्रामीण कौशल विकास मिशन था उसका नाम बदल गया है और ये नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास मिशन। इसमें आवेदक को 2 अस्थाई पते से आवेदन डालने को कहा गया था कि 2 परमानेंट एड्रेस से वो डाले और इससे भी ये पता चला कि ऐसा कोई कभी भी किसी एग्जाम में नहीं मांगा जाता है। साथ ही साथ जो पता दिया गया था वेबसाइट में, इसका मुख्यालय जो था वो केरल राज्य में बताया गया था कि केरल में है, लेकिन फॉर्म जो है वो कलकत्ता में भेजा जा रहा था। तो ये और जो भी नंबर उसमें दिया हुआ है उसमें हमने भी कई बार कोशिश किया बात करने का, लेकिन नंबर स्विच ऑफ मिला या फिर नॉट रीचेबल मिला है। तो ये पूरा मामला सरकार को लगा कि ये फर्जी हो सकता है। जिला कार्यालय में भी संपर्क करने पर उसमें कोई जानकारी नहीं मिली है। और ये आपको बता दें कि ये झारखंड बिहार के कई छात्र छात्राओं के साथ उत्तर प्रदेश के भी लोग इसमें हैं। 31 अगस्त 2018 इसका अंतिम डेट बताया गया था फॉर्म भरने का और इसमें स्पीड पोस्ट करने के लिए कहा गया था। लाखों की संख्या में आवेदन कलकत्ता कार्यालय तो पहुंच गया और वहां पर एक ही स्टाफ वर्तमान में है, एक छोटी सी ऑफिस खोल करके बैठा हुआ है। लोग ऑफिसर्स जो लोग उसमें थे वो गायब हैं वहां से। और ये आपको बता दें कि बिहार झारखंड के 62 जिलों में इसमें बताया गया था कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ का नियुक्ति होगा और इसमें 10वीं से लेकर पीजी तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। 8 अगस्त को सभी अखबार में ये वैकेंसी निकाला गया, झारखंड और बिहार के जो चुनिंदा प्रमुख अखबार है उसमें ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लाया गया था और यहाँ पर
हालांकि अखबार में चीजें लिखी होती है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट को आप जांच ले, इसके लिए अखबार कहीं भी जिम्मेवार नहीं होती। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अखबारों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? कोई भी एडवर्टाइजमेंट जब वो निकालते हैं तो क्या सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट पैसा लेकर निकालते हैं या फिर उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए कि किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा नहीं होगा? इस प्रकार से विज्ञापन बड़े बड़े अखबार निकाल देंगे और उसके बाद जब बच्चों का पैसा ठगा चला जाएगा और बाद में न्यूज छपाने के बाद ही बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी राय जरूर भेजिएगा कि आपको क्या लगता है। फिलहाल आपको बता दें कि ग्रामीण कौशल विकास मिशन के नाम से कोई भी बहाली नहीं निकाली गई थी और छात्र छात्राओं का पैसा फंस गया है। यूट्यूब में जब आप कोई चीज को देखते हैं तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत महसूस होती है और जिस प्रकार से हेडलाइन लिखा जाता है तो लोग उसको टच कर देते हैं और उसके बाद पूरी वीडियो देखने के बाद गाली तक लिख करके भेजते हैं, लेकिन जिसकी व्यू मिल जाती है उसे तो पैसा मिलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप ऐसे किसी भी वीडियो को टच मत कीजिए जिसमें फर्जीवाड़ा होने के संकेत होंगे और आपका पैसा ठगा जाए। ऐसे कई वीडियो यूट्यूब में भरे पड़े हैं और इसे लेकर भारत सरकार भी बहुत गंभीर है। भारत सरकार ने ये पूछा है कि ऐसे वीडियो को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है। जो फर्जी वीडियो से और फेक न्यूज से आज देश परेशान है, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ऐसी वीडियो को या तो रोक दिया जाए या फिर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे संस्था के ऊपर ही बैन लगा दिया जाए जैसे चीन में है। चीन में किसी भी प्रकार से ऐसा साइबर क्राइम नहीं होता है और वहां पर होने के तुरंत बाद इसके लिए फैसला आ जाता है और भारत में चीजें नहीं संभव है। हालांकि व्हाट्सएप के सीईओ ने हाल के दिनों में भारत सरकार को कहा है कि वह मजबूर है कि वह इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करे। 120 करोड़ यूजर है पूरे वर्ल्ड में व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिसमें भारत के लगभग 45% लोग हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं भारत के लोग उतने क्रिएटिव नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा चीजों को फॉलो करने में विश्वास करते हैं। हालांकि सारा खोज अमेरिका में होता है। चीन ने फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल के तुलनात्मक और पैरेलल अपना सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया है। चीन के 90% लोग जो हैं वो वर्तमान में उनका ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत जो है वो क्रिएटिव के दृष्टिकोण से अभी पीछे है। तो चलिए हम आपको बता दें कि ये जो था, जो खबर थी कि ग्रामीण कौशल विकास मिशन में जो फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी प्रकार के कई वैकेंसीज का दावा यूट्यूब में लगातार किया जाता है, फेसबुक और गूगल के साइट पर होता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि गूगल और फेसबुक और जस्ट डायल में जो चीजें आप देखते हैं वो सही नहीं होती है। कैसे आप टॉप डॉक्टर और टॉप इंस्टीट्यूट का नाम खोजते हैं तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम खुल जाता है जो कभी रहता ही नहीं। ये सब कुछ कैसे होता है हम आपको बताएंगे, यहाँ पर फर्जीवाड़ा कैसे है। थोड़ी देर के बाद हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।